नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आप सभी के साथ मैं हूँ जीना सिद्दीकी, और हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में हम दो मेहमान आपके साथ लेकर आए हैं। दोनों ही स्वर्ण पदक विजेता हैं और दोनों ही हरियाणा के, अपने अपने तरीके की अगर हम बात करें तो दोनों ही हरियाणा के बहुत बड़े हीरे माने जाते हैं। सुशील कुमार जी हमारे साथ में हैं, साथ ही साथ अमित कुमार जी, आप दोनों का सबसे पहले बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुशील जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्वर्ण पदक और बहुत ज़्यादा सम्मान, अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और कॉमनवेल्थ का आप लें तो मैं मानता हूँ कि कॉमनवेल्थ में सभी खिलाड़ियों ने जी, जो जितने भी रेसलर थे हमारे, उन्होंने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया, और खास तौर पे लड़कियों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, तो मैं सबको आपके माध्यम से बहुत मुबारकबाद दूंगा। अमित, आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत कम उम्र और जो चीज़ें हमने देखी आपकी वो अद्भुत थी। हाँ, काफी अच्छा लगा है। पहली बार मैं कॉमनवेल्थ खेला था, ये पता नहीं था कौन कौन देश आएंगे, तो लेकिन सुशील और योगेश्वर थे साथ में, तो पता नहीं था फिर कोई भी हो, फिर उन्होंने बोल रखा है अपना 100% देना है, बस फिर किस चीज की चिंता नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि अमित जो है बहुत छोटा सा हमारे पास आया था, जो हमारे गुरु हैं पद्मश्री महावली सतपाल जी, योगेश्वर के भी, मेरे भी, अमित के भी, तो ये गुरुजियों ने बहुत इसका मतलब प्यार करते थे, और ये बिल्कुल छोटा सा अखाड़े में आया था, तो जब ही से बहुत टैलेंट रही। और मैं मानता हूँ आने वाला टाइम जो रियो ओलंपिक होगा, आप देखेंगे कि ये हम लोग सब दुआ करते हैं हर टाइम कि ये रियो ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और देश के लिए मेडल जीतेगा। तो अमित, आप मेहनत करते हैं इतनी, क्योंकि आप पर भरोसा बहुत ज़्यादा है। सुशील को भी हमने सुना, और आपने कहा कि आप जब गए वहाँ पर पहली बार गए, पहला अनुभव, आपको नहीं पता था कौन कौन से मुल्क आ रहे हैं वहाँ पर, तो लगा कि अपने लोग हैं, हिम्मत बढ़ी गार्जियन के तरीके से? हाँ, बिल्कुल भी हिम्मत तो बढ़ती है जब सीनियर प्लेयर साथ में होते हैं। कोई नहीं होता तो फिर बताने वाला कोई नहीं होता है, तो सीनियर प्लेयर हैं, उनको सब कुछ पता है, तो बताते हैं, तो अनुभव जो हमारा अंदर से होता है वो बच जाता है। सुशील, सबसे बड़ी बात एक ये निकल कर आती है कि जब हम हरियाणा की बात करते हैं, आपने कुश्ती का जिक्र किया, इस बार जो परफॉर्मेंस रही, जो रिजल्ट रहा वो बहुत अद्भुत था, उसमें किस चीज़ को आप वजह मानते हैं? मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खिलाड़ियों को रोडवेज बस से ओडी कारों में बिठा दिया है। आपको मैं बताऊं कि ओलंपिक के टाइम हमें ओनर किया था और साथ में ओडी कारें दी थी, तो मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूं कि स्पोर्ट्स हरियाणा का क्यों बढ़ा है, क्योंकि स्पोर्ट्स की जो पॉलिसी उन्होंने बना रखी है, आप देखो कि सेंटर में तो 20 लाख रुपये हैं और उन्होंने अभी 1 करोड़ रुपये कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट को दिए हैं। हमें पता है कि हम पदक लाएंगे तो हमें पद मिलेंगे, तो वो एक सिक्योर हो जाते हैं सभी खिलाड़ी, तो यानी कि वो पदक लाओ पद पाओ की नीति बहुत ज्यादा जबरदस्त हौसला अफजाई कर रही है आप लोगों की। सभी लोग मध्यम परिवार से आते हैं, तो वो परिवार जो है वो ये सोचते हैं कि हम खिलाड़ी, खिलाड़ी भी सोचता है कि मैं परिवार का एक साथ भी दूं, कैसे मैं उसको फाइनेंशियल तरीके से भी आपको आर्थिक मदद जी आर्थिक मदद से भी वो उभारना चाहता है खिलाड़ियों को, तो वो चीज़ एक सिक्योर होगी कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक पॉलिसी बना दी कि आपको गोल्ड जीतोगे तो ये मिलेगा, सिल्वर जीतोगे तो ये मिलेगा, पार्टिसिपेट करोगे तो ये मिलेगा, ब्रॉन्ज मेडल आप जीतोगे तो ये मिलेगा, तो वो एक चीज़ खिलाड़ियों को हरियाणा में खेल को मैं मानता हूँ आसमान पर ले जाने वाली चीज़। लेकिन सुशील, आपको नहीं लगता ये चीज़ें तो सेकेंडरी और थर्ड लेवल हो गया, जो प्राइमरी लेवल है, जो गांव के बच्चे हैं, जो स्कूल्स में जाते हैं, वहां पर तो बड़ी कमियां हैं, ग्राउंड लेवल पर भी ये चीज़ें होनी चाहिए, हौसला अफजाई। रेसलिंग के बारे में मैं आपको ज़्यादा बता सकता हूं, आप रेसलिंग में किसी भी जगह चले जाओ हरियाणा में, मैं एक बादली के पास एक छोटे से अखाड़े में मैं गया एक दिन, वो सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो मैं वहां पे गया तो मैंने देखा कि वहां पे मैट था, वहाँ जिम था, छोटे से अखाड़े में, तो इसलिए हमारे रेसलर ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, और हर छोटे छोटे अखाड़े में मैट है, जो आप मैट वो होता है जैसे आप जो इंटरनेशनल लेवल पर आपको पार्टिसिपेशन करना है तो मैट पे करना है, तो वो सुविधाएं वहाँ बढ़ रही हैं, तो मैं मानता हूँ कि आने वाला टाइम हरियाणा की जो हरियाणा से रेसलर निकल के आएंगे वही ओलंपिक में मेडल लेंगे। पूरे हरियाणा को जब हम लेते हैं तो ये सुनने को मिलता है, या इस तरह की खबरें भी आती हैं कि स्टेडियम्स नहीं हैं, फैसिलिटीज नहीं हैं, कोचेस नहीं हैं। कोचेस की नई अपॉइंटमेंट की है, आपको बताऊं कि मेरे ख्याल से 28 और 31 तारीख के आसपास कोचों की ज्वाइनिंग हुई है, तो मैं मानता हूं कि वो जमीनी जो सतर होगा उसको वो टेक ओवर करेंगे। क्या वहां पे फाइनेंशियली हेल्प की जा रही है? प्ले ओनर
पे और प्ले का कुछ एक सिस्टम है हमारे हरियाणा में, जो छोटे बच्चे हैं उनके उनके लिए वो एक बना के रखा है, तो वहाँ से उनको बहुत मदद मिलती है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दीजिएगा हमारे दर्शकों को। मैम उसके बारे में इतना ही पता है मेरे को कि जो छोटे बच्चे हैं, नर्सरियाँ हैं, उनमें पे एंड प्ले का कुछ एक सिस्टम बना रखा है कि बच्चों को खाने के लिए भी, उनको ट्रैक सूट पहनने के लिए, खिलाड़ी को और क्या चाहिए, उसको खाने के लिए अच्छा चाहिए और पहनने के लिए उसकी किट चाहिए, और ट्रेनिंग का सेशन उसका कोच लगाता है, तो तीन ही चीज़ खिलाड़ी को अच्छी चाहिए, तो वो चीज़ है मेरे ख्याल से। क्या सुशील, अब आप कोचेज का जिक्र कर रहे हैं, तो कोच की जब हम बात करते हैं, कोच की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। कोचेज का काम यह है कि अपने अपने जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अच्छा शेड्यूल तैयार करें, तो वो सब एक अच्छी जिम्मेवारी समझ के काम करेंगे, तो वो हम मेरे ख्याल से ओलंपिक में भी और ज़्यादा मेडल लेंगे। अमित, क्या लगता है आपको, कोच को लेकर क्या ख्याल है आपके, कोचेज में किस तरह के बदलाव हों, क्योंकि अभी आप नए हैं, अनुभव की बात करते हैं, आपको गुरु बहुत सारे मिले, अगर यही लोग आपके साथ नहीं होते तो क्या ये राह इतनी आसान होती? नहीं, आसान तो नहीं होती, ये सीनियर खिलाड़ी और कोच मेरे को ज़्यादा अच्छे मिले हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा पता नहीं है कोई ऐसा काम करता है कोच अपना फर्ज नहीं निभाता है, क्योंकि मुझे तो अच्छे से अच्छे कोच मिले हैं। देखो हम बहुत भाग्यशाली हैं, मैं हूँ, बजरंग है, अमित है, योगेश्वर है, हमारे जो गुरु हैं वो 82 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियन गेम्स के, और वो खुद पद्मश्री हैं, अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से जितने भी हमारे कोचेज हैं, मैं तो उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो एक जिम्मेवारी समझे, क्योंकि हमारे देश में बहुत टैलेंट है, हमारे हरियाणा में बहुत टैलेंट है। तो मैं ये चीज़ आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा, उस टैलेंट को आप कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार की खेल नीति ने उसको और ज़्यादा उभारा, उसको हिम्मत बिल्कुल दी। आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि एक एक हिस्से में पूरा देश है, तो एक हिस्से से ज़्यादा में हरियाणा है, और इस बार के और गोल्स की बात करें तो इसलिए वो आगे हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी अच्छी है। कुछ बदलाव करना चाहेंगे पॉलिसी में, कुछ नया आपको लगता हो कि होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेहतर देखो हो सकता हो? गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है, गुंजाइश बनी रहती है, मगर कसर नहीं है, किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ रखी है कि खिलाड़ी को सफ़र करना पड़े। आप मेहनत कीजिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, खिलाड़ी को करनी पड़ेगी, और जो आपकी पॉलिसी है उनका बेनिफिट उठाएं आप। सुशील, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपना घर भी देखना होता है, आर्थिक तंगी होती है, तो वहाँ पर वो लेट डाउन हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, पीछे अगर चार लोग हैं खाने वाले, तो जमीनी स्तर पर जो विफलताएं हैं क्या उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है? मैं बात आपको बताऊँ, हमारे हमने जिनसे सीखा है, हमारे गुरु हैं वो मध्यम परिवार से थे, आज वो डायरेक्टर हैं दिल्ली में, और कितने ही खिलाड़ी उन्होंने बनाए हैं, और वो ये चीज सोच जाते कि भाई मैं तो मध्यम परिवार से हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो वो आज इस मुकाम पे नहीं, हम भी नहीं होते, ये भी नहीं होता। मेरे पिताजी ड्राइवर हैं, MTNL में मेरे पिताजी ड्राइवर हैं, और वो बहुत मेहनत की उन्होंने मेरे ऊपर, और मैं ये सोच जाता कि यार पिताजी तो ड्राइवर हैं, मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, ये तो नहीं पहुँच पाते हम। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत करें, आप ये ना देखें कि वो आपको जो आपकी पॉलिसी उनसे मदद लेनी है, वो एक टारगेट रखे कि मुझे वहाँ करना है, उसमें सुधार की गुंजाइश की जब हम बात करते हैं। नहीं मैम, वो सुधार की बनी रहती है, बनी रहती है। आप किसी भी नई चीज़ को आप एक नया ब्रिज बना दो, तो नए ब्रिज पे भी आपको गुंजाइश लगेगी कि यार थोड़ा सा इसको इस साइड से कर लेते, तो वो चीज़ गुंजाइश बन गई। एक और चीज़, फोगाट सिस्टर्स की बात होती है, आपने भी जिक्र किया कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस महिलाओं का रहा, क्योंकि जब हम उनकी रिपोर्ट्स देख रहे थे तो हमने देखा कि एक वक्त था जब कहा जाता था कि लड़कियों को कुश्ती करवाएंगे, उनके पेरेंट्स को कहा जाता था, फिर उनके फादर ही कोच बनते हैं, तो वो जो मेंटेलिटी है समाज की वो कैसे दूर होगी? मैम साइना नेहवाल भी लड़की है, उसको उसने अनेकों बार देश को सम्मान दिलाया। हाँ बिल्कुल, और फोगाट जितनी भी ये बहने, गीता जैसे खेल में, गीता है, बबीता है, उन्होंने दिखा दिया मैम कि वो वर्ल्ड पे देश का नाम रोशन करेंगी, तो उनसे सीख लेनी चाहिए सभी को, जितने भी लोग जो इस चीज की कैटिसाइज करते हैं, तो उनको सीख लेनी चाहिए कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बात में वो कम नहीं। लगता है कि महिलाओं के क्षेत्र में या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है सरकार को? वो चीजें अब आपको बताऊं, वो चीज पुरानी हो चुकी है। हम किसी भी क्षेत्र में देखें, जो महिलाएं हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, आप किसी भी क्षेत्र में लगा लें, स्पोर्ट्स से अलग भी आप लगाएंगे, आप देखेंगे तो IAS में आप देखेंगे तो महिलाएं सबसे ज्यादा होंगी। नहीं फिर तो वो तो एक वो अलग ही, किसी भी क्षेत्र में देख लें तो वो चीज़ नहीं है। अब वो चीज़ नहीं रही है कि लोगों की मेंटेलिटी बहुत चेंज हो रही है। आप गाँव में भी देखेंगे तो बहुत चेंज है पहले से। एक और चीज़ बताइएगा, वो वक्त भी याद आता है जब आपकी एक शिकायत बड़ी सुर्खियों में आई थी,
कि जब कुश्ती के खिलाड़ी आए थे तो वो सम्मान नहीं मिल पाया था जो मिलना चाहिए था। बीजिंग ओलंपिक के बाद मैम देशवासियों ने इतना सम्मान प्यार कुश्ती को दिया है बहुत ज्यादा, उसके बाद स्थिति बदली। नहीं देखो आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मैं आप कुछ करोगे नहीं मैम और चाहोगे कि हमें सम्मान मिलता रहे तो ऐसे नहीं होता है। नहीं कुश्ती को अब कुछ चेहरों ने चमकाया, वरना कुश्ती कहाँ गुम थी। पहले हमारे बहुत पहले मेडल आते थे 82 के टाइम पे मेडल हाँ, आते थे। वही सवाल है। मगर हमारे फेडरेशन जब जो हमारे अध्यक्ष साहब ब्रजभूषण शरण जी, उन्होंने बड़ा सेटअप चेंज किया है। खिलाड़ियों से भी डिस्कस करते हैं हर टाइम पे, वो कोचिज को देखते हैं कि हाँ ऑब्जर्वर करते हैं कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप जहाँ ज्यादा मेहनत करेंगे तो वहीं अच्छा होगा। क्रिकेट अच्छा नहीं करता तो उनको भी ऐसे ही बोलो बोलते हैं। क्रिकेट पर भी मैं आने वाली थी, क्रिकेट में जो ग्लैमर है या जो हर घर में है तमाम चीजें क्रिकेटर्स को लेकर भी आपका एक स्टेटमेंट भी था कि भाई क्रिकेट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मैंने कभी ऐसा नहीं दिया, इस तरह की चीजें आई थी चर्चा में कि नहीं मैं मैंने कभी भी नहीं दिया है, क्योंकि मैं बताऊं अगर मैं स्पष्ट से सवाल आपसे करूं कि कुश्ती में कुछ लोगों ने आपका जिक्र आता है या फिर सबसे पहले आपका ही आता है इस वक्त के जो सिनेरियो को देखते हैं, योगेश्वर का जिक्र हो गया, अमित भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन वो वक्त जब आप आए थे और बहुत ज्यादा सम्मान नहीं किया गया, फिर वो एक टीस थी अंदर की क्रिकेटर्स आते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है, कुश्ती के खिलाड़ी आए तो क्यों नहीं है वो चीजें। हम बीजिंग में आए तो आप देखोगे एयरपोर्ट पे लोगों को जगह नहीं मिल रही थी खड़े होने के लिए, तो इतना जबरदस्त वेलकम होता। कौन से लोग थे, परिवार के लोग, परिवार के नहीं गांव से, और जिनको कुश्ती के बारे में पता भी नहीं था। वही नहीं नहीं पता नहीं था तो कैसे आएंगे। देखो ना वही मैं चीज बता रहा हूँ कि देश ने इतना सम्मान दिया है एक ओलंपिक के मेडल के बाद, और उसके बाद आप देखेंगे कि अभी कॉमनवेल्थ से हम जीत के आए तो एयरपोर्ट पे वैसी ही भीड़ थी। और रही क्रिकेट की बात, तो सुर्खियां नहीं, हर रही क्रिकेट की बात, मैंने कभी भी दिल्ली ने मेजबानी की दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की तो उसके बाद लोगों को पता चला कि अच्छा गेम्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि पूरे मुझे भी मीडिया के आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि कॉमनवेल्थ में सबसे ज्यादा सर्च गूगल पे मेरा हुआ है, तो रेसलिंग को देख के हुआ है, तो इसका मतलब देशवासी चाहते हैं कि हमारे रेसल बढ़े। और रही क्रिकेट की बात, क्रिकेट के आप बता रहे थे, मैंने कभी भी क्रिकेट के बारे में ये नहीं बोला कि हाँ वो हमारे देश के लिए खेलते हैं, उन्होंने भी अनेकों बार हमें सम्मान दिलाया है। जहाँ देश की बात और जहाँ सम्मान की बात आती है वो देश के लिए खेलने जाते हैं, तो हम भी सपोर्ट करते हैं उनको, हम भी क्रिकेट देखते हैं। तो कुश्ती उतना हमें कहें कि कुश्ती पिछड़ क्यों गई। नहीं कहाँ कुश्ती, आप 82 का आपने जिक्र किया, मेडल आया करते थे बीच में, 82 से लेके हम देखते हैं 21वीं सदी में आ गए, 10-15 साल गुजर गए, वो हम कह सकते हैं किस वजह से रह गई। नहीं वो चीज हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम अपना दौर बता सकते हैं, हम पीछे जाएंगे तो नहीं बता पाएंगे, छुपाना भी चाह रहे हैं कुछ चीजें। अमित आपका एक्सपीरियंस की बात करते हैं, आप किसको देख के बड़े हुए, आपको गुरु मिले वो चीज समझ में आते, लेकिन कुश्ती ही करनी है और इतनी कम उम्र में जो आपने परफॉर्मेंस दी वो सुपर्ब है, तो किसको देखा, कहां से एनर्जी मिली, प्रोत्साहन मिला। पहले तो मैं गांव में करता था, गांव में हंसराज जी पहलवान जो मिट्टी का खड़ा होता है तो वहां पे करते थे, मैट नहीं था वहां पे, सुविधा नहीं थी, तो वो पहले छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे अपने आप भी, तो वो मेरे को वहीं लेके आए थे गुरुजी के पास, फिर जब से वहीं हूँ। तो जब से वहीं पर है, कुछ चेंज देखा बचपन से लेकर अभी तक की कुश्ती में। हाँ बिल्कुल, पहले तो मिट्टी में करते थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वर्ल्ड की सुविधा थी हमारे पास, मैट था, जिम था, एसी होल है वहाँ पे, ये सीनियर पहलवान तो ये तक कभी देखे भी नहीं थे, तो वहाँ पे जाके पता लगा कि ये सीनियर पहलवान है, ओलंपियन है ये। सुशील आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी 30-31 साल उम्र हो गई और लंबा आपका भी एक अगर देखें अनुभव, जो चीज़ें टेक्निकली हम कोचेस का जिक्र कर रहे हैं अगर, तो जो टेक्निकल स्किल्स इस वक्त चाहिए वो जो डिफरेंस है वो बन पा रहा है। मैम हमारा जो बेस है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कुश्ती में, बेस। आपका बेस अच्छा है तो बुनियाद आपकी अच्छी होगी, तो बेस हमारे कोच देखते हैं। और मेरे ख्याल से रेसलिंग में आप देखोगे कॉमनवेल्थ में और गेमों से सबसे अच्छा रिजल्ट रेसलिंग करा है, तो हमारे कोचों की वजह से। नहीं आपने जिक्र किया कुछ कोचेस की नियुक्ति हो रही है, डिमांड भी है, हरियाणा वर्क कर रहा है अभी एशियन गेम्स में, उनको अपडेट अपग्रेड करने के लिए क्या कोशिश हो रही है। बीच-बीच में उनको एक कोर्स उनका कराया जाए कि भाई नई चीजों को आप सीखे, अडॉप्ट करें उनको, इसी तरीके के शेड्यूल आप बनाए बच्चों के लिए, तो वो चीज आप सीखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे और अपने बच्चों को आप बताएंगे, तो मैं मानता हूँ कि और ज्यादा हम अच्छा कर सकते हैं। महिलाओं को आगे लाने के लिए अगर कुछ कमेंट्स हों आपके पास। मैं खुद की अभी हरियाणा सरकार ने मेरे को लैंड दी है तो उसके लिए मैं अकेडमियाँ चलाऊंगा, तो उसमें मैं
आपकी ये शिकायत वहाँ पूरी कर दूंगा मैं। वही गेम पूरे हरियाणा की शिकायत नहीं, नहीं, नहीं है वो। अब आप नहीं कह सकते उस चीज को। हम लड़कों का भी रेसलिंग का सेंटर चलाएंगे, लड़कियों का भी, बॉक्सिंग का भी लड़कों का चलाएंगे, लड़कियों का भी बैडमिंटन, लड़कों का भी लड़कियों का भी। अमित, जब आप प्राइज लेकर आए और घर गए होंगे, क्या वो एक्सपीरियंस रहे? हाँ, काफ़ी खुशी थी घर में, इतना बड़ा प्राइज मिला है पहली बार। तो गांव में सभी यही था, गुड्डा जी ने जो काम किया है काफ़ी अच्छा किया, पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। मैं बस यही कहूँगा कि स्पोर्ट्समैन जो है एक देश की धरोहर है, वो देश के सम्मान के लिए खेलने जाती है, तो उनको इंक्रेज करना चाहिए। कई बार ऐसी खबरें आती हैं या इस तरह की चीज़ें, मैं आपसे ज़्यादा बारीकी से जानना चाहूँगी कि अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया है और वो फाइनेंशियली सक्षम नहीं है कि वो जा सके या वहाँ पर तैयारी कर सके, क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी जो हेल्प करती है उसके बारे में दर्शकों को बताइएगा? साई की पॉलिसी है कि आप फाइनेंशियल वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। आप बताएं कि मेरे को डाइट की प्रॉब्लम, अब तो साई ने कैंप में आप अच्छा करते हैं, कैंप में है तो 700 रुपये की, 1500 रुपये की एक दिन की डाइट है, तो एक दिन की डाइट 1500 बहुत होती है, तो उस लायक आप बने पहले कि आप वे सुविधाएं ले सकें। अब मैं बताऊं कि बीजिंग ओलंपिक के बाद हमारे इसीलिए लंदन ओलंपिक में मेडल डबल हुए कि हमारी सुविधाएं बढ़ गई, जहां सुविधाएं ज़्यादा बढ़ेंगी वहां रिजल्ट होंगे। आपका इस बार भार वर्ग भी चेंज हुआ, पहले आप 66 भार वर्ग में खेले थे, अब सीधा 74 में, कोई कठिनाइयाँ आई या ये फैसला सडनली? नहीं, ओलंपिक में 74 है तो हमारे अभी वेट चेंज हुए हैं, रूल चेंज हुए हैं, तो जो एक फिला के रूल है उनको सबको फॉलो करना होगा। मेरा वजन जो है वो खत्म कर दिया 66, तो 74 में ही खेलना है, तो उसमें ही जैसे 74 की तैयारी करके चलना है, 74 के रेसलर को टारगेट करके चलना है और उन्हीं को देखते हुए वेट ट्रेनिंग करनी है या टेक्निक करनी है, वो कोचिज का शेड्यूल होता है, वो अपने जो ओपोनेंट है उनको देखते हैं टूर्नामेंट से पहले और उसी तरीके से वो ट्रेनिंग कराते हैं, तो उनको मैं फॉलो करता हूँ और वो मेरे ख्याल से अब की बार तो अच्छा भी हुआ है। अच्छा तो हुआ है, वो देखा हमने, दो दो गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं हमारे साथ, सौभाग्य की बात है। विश्व चैंपियनशिप कुश्ती जो होने वाली है उसमें जा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, दोनों टूर्नामेंटों में हम जा रहे हैं, हमारी मर्जी ये है, मगर वो हमारा जो डिसीजन होता है वो हमारे अध्यक्ष हैं, चीफ कोच हैं, वो हमारी जो फेडरेशन की बॉडी है वो एक सिलेक्ट करती है कि हमें हमारे खिलाड़ी को कहाँ खिलाना है। अभी मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि हम ग्लासगो में थे तो एक 2000 सिडनी ओलंपिक का ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन 99 के वो हमें मिले वहाँ, एगाली डैनियल जी जी, तो वो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं, तो मेरे से बोले कि सुशील अब की बार आपकी जो टीम है वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो ये चीज़ दूसरे खिलाड़ियों से सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इंडिया के जो रेसलर हैं उनको कम नहीं आका जाता है। इनसिक्योरिटी, बाकी लोग तैयारियां कर रहे हैं, शायद उनको लगता है कि अब तो हरियाणा का लोहा मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं ये बात, क्योंकि अब रेसलरों को कोई कम नहीं आता, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, और ये भी पता है कि ये लोग वहाँ से हरियाणा से हैं, ये सब तो सबको पता लग जाता है, आजकल इंटरनेट का जमाना है। ग्लासगो का आप जिक्र कर रहे हैं, एक पिक्चर बड़ी आपकी चर्चित हुई थी अखबार में, फॉरेन की प्लेयर थी, उन्होंने आपको उठाया हुआ था जी। तो वो इंसिडेंट क्या था? वो खुद वर्ल्ड चैंपियन है कनाडा की, वो इंसिडेंट और क्या वो जीत के आई और मतलब इतनी खुश होगी कि मेरे को उठा लिया उसने। वो क्या था सडनली फिर उसके बाद? वो भी चैंपियन हुई थी और मैं भी चैंपियन हुआ था। अच्छा, सेम उसमें? नहीं, वो 75 में हुई थी, मैं 74 में, तो वो दिखा रही थी कि मैं भी ताकतवर हूँ, तो आप कह सकते हैं कि वुमेन पावर जबरदस्त और सब खिलाड़ी आपस में ऐसे ही मिलते हैं जैसे परिवार, कंपटीशन के बाद सब एक परिवार की तरह मिलते हैं, परिवार होता है। तो वो खुश थी तो उसने उठा लिया। अमित, कुछ प्लानिंग्स हैं फ्यूचर की, क्या कुछ हैं वो बताएगा? आप भी कुश्ती में जा रहे, चैंपियनशिप जो होने वाली है उसमें? नहीं, जैसे अब एशियन गेम्स आ रहे हैं तो उसकी तैयारी में है अभी, तो फिर आगे हमारा ज्यादातर फेडरेशन का ज्यादा, इसमें मैं बताऊँ आपको खिलाड़ियों की नहीं चलेगी उसमें, लेकिन फिर ये खिलाड़ियों को सुविधा है। योगेश्वर से बात की, उन्होंने कहा कि वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि 10 दिन का डिफरेंस है, फिर उसने खुद लिख के देनी पड़ेगी, फिर वो चोट वाली दिक्कत हो जाती है, फिर उसको रिकवर करना, इंजरीज की बातें होती है, तो फिर ना उसको, तो फिर आपका भी स्टेटमेंट था, तो नहीं मेरा नहीं जानना चाहते, क्योंकि एक्चुअली आपके जो फैंस हैं वो निराश होते हैं जी। नहीं, मैं आपको बस यही कहूंगा कि आप लोग दुआ करें, यही आशीर्वाद दुआएं आप लोगों की चाहिए कि जैसे हमने कॉमनवेल्थ में किया है हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में और एशियन गेम्स में भी कम करें। आप बताइएगा अपनी कुछ प्लानिंग्स। प्लानिंग यही है, अभी तो एशियन गेम्स की तैयारी में है,
फिर फेडरेशन जो चाहेगी वो डिसीजन ले सकती है वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजना या नहीं भेजना, वो उनके ऊपर। सुशील, बहुत सारी चीज़ें जो आपके बारे में हम पढ़ते हैं, एक और चीज़ आती है क्योंकि रेसलिंग कहीं गुम सी हो गई थी, हम चर्चा कर रहे थे अभी, रेसलर ही बनना है, ये ख्याल कहाँ से आया? मेरे दादाजी ने भी रेसलिंग की है, पिताजी ने भी रेसलिंग की है, तो घर में एक माहौल था रेसलिंग का। जो कठिनाइयाँ आई वो बताइएगा, वो जो संघर्ष था, ताकि जो यूथ है वो आपसे मोटिवेट हो सके। हम दो भाई रेसलिंग करते थे, तो ऐसी स्थिति थी एक बार कि एक ही को रेसलिंग करा सकते थे, तो एक वो बड़ी कठिनाई थी, वो भी खुद टैलेंट, बहुत टैलेंटर था वो, तो मेरे को आगे किया पूरे परिवार ने, हमारा भी कम्बाइंड परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, तो सब चाचा ताऊ सब इकट्ठे हैं, और पिताजी ड्राइवर थे, तो आप समझ सकते हैं कि उसको पूरा परिवार भी देखना था और मेरे को भी देखना था, तो एक ये चीज़। मैं अपने आप को इसलिए मैं भाग्यशाली बताता हूँ कि अच्छे माता पिता मेरे को मिले, अच्छे साथी मेरे को मिले हैं, अच्छे गुरु मेरे को मिले हैं, कि इस लायक मेरे को बना दिया उन्होंने। और परेशानी तो हमेशा चलती रहती है, आप घर से निकलते तो परेशानी आपका पीछा करती है। वो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली फोगाट सिस्टर का एक स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ, जो उन्होंने बोला था कि जो इंजरीज हमें आती हैं वो हमारा गहना होती हैं। It was very, very strong comment. देखो, comment वो देखो वो लड़की है और देखो वो कितनी जबरदस्त बात कह रही, तो वो चीज खत्म हो चुकी है ना हरियाणा से। नहीं, कुछ हम ये देखिए, नहीं सुशील, सवाल ये इस वजह से है, we really want कि सिर्फ दो लड़कियां ऐसी बात करें, ये सही नहीं है। हम चाहते हैं कि 2.5 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, उसमें से दो लड़कियां निकल गई, दिस इज नॉट द राइट क्वांटिटी। ज्यादा फाइटर होना चाहिए, कहां नजर आ रही है वो चीजें, पूरे परिवार को चलाती है वो, क्यों पिछड़ रही है, क्यों पिछड़ी? पिछड़ दो लड़कियां अगर आ गई तो आपको लगता है बहुत बड़ी, सीख लेनी चाहिए ना मैम, आप उनसे सीख लेके चलो कि यार वो कर सकती तो मैं भी करूंगी, ये सीख लो, ये भी तो कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। नहीं, ये है, नहीं, कब तक आप सोचोगे ये चीज कि यार नहीं लड़कियां तो ऐसे रहती, नहीं, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, देश का सम्मान वो दिला सकती है। अभी क्या उसमें कौन कौन से जो कारक है वो मदद कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें मदद कर सकती है? आप किसी भी एक स्पोर्ट्स को चुनो, चाहे वो आप बैडमिंटन है, रेसलिंग है, जूडो है, बॉक्सिंग में आप देखो कि लड़कियां ने कितना अच्छा किया, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है लड़की ने, तो क्या वो फाइटर नहीं है? टैलेंट तो है, कहीं गुम है, कोई कदर करने वाला नहीं है वो, तो वहाँ पर। अभी मैं आपको बताऊँ, मध्य प्रदेश में वहाँ शिवराज जी भी इन ऐसी ही पॉलिसी बना रहे हैं, वहाँ जो USA में मशीनें हैं ट्रेनिंग की, वो उनके सेंटरों पे हैं, तो आप सुविधा भी कम नहीं कह सकते। तो हरियाणा से सबक सीखा उन्होंने, हरियाणा नजीर बना उनके लिए। वही जो मैं चीज कह रहा हूं ना, कि मैं सीखना चाहिए, बदल लेना चाहिए, कि वही पुरानी पैडों पे आप ना चले, कंप्यूटर का जमाना आ गया तो कंप्यूटर से सीखें आप। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा कि आप स्ट्रांग रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, देश को सम्मान दिलाएं। सुशील कुमार के शौक क्या क्या है? मेरे कम ही शौक है मैम, मैं अपनी ट्रेनिंग में ज्यादा ध्यान रखता हूँ। जो है वो बता दीजिए। नहीं है ही नहीं, क्या बताऊँ मैं, फुटबॉल खेल लेता हूँ, वक्त नहीं मिलता, वक्त भी नहीं मिलता, क्योंकि इतनी मैं मानता हूँ कि हम रेसलिंग जो है 2-3 घंटे आप करोगे तो वो आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, नहीं तो आपका अच्छा सेशन नहीं होगा। तो हम पूरा टाइम जब भी, और कंपटीशन एक के बाद एक हमारा कंपटीशन आता रहता। अमित, आप कुछ शौक बताएंगे अपने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन खाली टाइम में थोड़े म्यूजिक गाने सुन लेता हूँ, पंजाबी सॉन्ग्स का शौक है। सुशील कुमार सॉन्ग्स नहीं सुनते क्या? नहीं, कम ही टाइम लगता है मैम मेरे को, और सुन भी नहीं पाता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ, खाली टाइम में अपना रेस्ट करता हूँ, और कई बार जो चीज़ देखता हूँ अपनी रेसलिंग को ही मैं ज़्यादा देखता हूँ। तैयारियों की अगर हम बात करते हैं, तैयारियाँ जब आप लोग करते हैं तो क्या जहन में रहता है, पूरे दिन कितना वक्त देते हैं खुद को? वो कोचिज को शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं, जो कोचिज शेड्यूल बनाते हैं उनको फॉलो करते हैं, और बस कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग में भी हम अपना 100% दें, जब भी हम कंपटीशन में 100% दे पाएंगे तो कोचिज को फॉलो कुछ ज़्यादा करते हैं। अगर सुशील कुमार को खाली वक्त मिले तो वो क्या करेंगे? नहीं, अभी तो मैम सोचा नहीं इसके लिए, क्योंकि अभी रेसलिंग में हूँ तो बस यहीं ज़्यादा टाइम देना चाहूँगा। अमित, अगर आपको खाली वक्त मिले तो? नहीं, अभी तो कुछ सोचा नहीं इस बारे में। नहीं, मेरी वो क्यों कर रहा है? नहीं, ऐसे सोचा नहीं है ना, अभी प्लानिंग नहीं है। एक्चुअली गुरु है ना आप गार्जियन हैं, तो शायद इस वजह से बच के बोल रहे हैं शायद। नहीं, बच के नहीं, हमारे साथ बिल्कुल छोटा सा आया था हमारे पास। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि और जो रिस्पेक्ट कुश्ती में एक दूसरे की खिलाड़ी करते हैं ना, जूनियर सीनियर की, बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। क्या लगता है कि हरियाणा में और कौन कौन से खेल हैं जिस पर काम होना चाहिए, वर्क हो तो वो भी निखर के आ सकते हैं? कुश्ती ने तो इस बार अपना लोहा मनवा दिया,
बॉक्सिंग में थोड़ा सा पीछे हैं, कुछ नाम आते हैं सामने, या हम स्क्वैश की बात कर लें या हम तीरंदाजी की बात कर लें, इस बार तीरंदाजी का भी जिक्र हुआ हरियाणा से, तो मैम गुंजाइश तो बनी रहती है, मगर सभी स्पोर्ट्सों की एक ही, अब आप किसी स्पोर्ट्समैन से बात करोगे ना तो वो सब ये आपको यही बताएंगे कि मुझे ओलंपिक में मेडल चाहिए, उसकी तैयारी में कर रहा हूँ, उसको प्लान में लेके आया। एक खिलाड़ियों की सोच बदलनी चाहिए थी, वो एक चेंज हो चुकी है जो सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमारा बीच में बस बहुत ही कम मेडल आते थे, एक आ गया है, दो आ गया है, मल्लेश्वरी जी का आया था, राठौर जी का आया था, लैंडर पेस का आया था, तो एक ही मेडल थे। तो अब हमारे मेडल बढ़ने लगे हैं तो वो खिलाड़ियों की सोच भी बदलने लगी। अभी स्क्वैश में हमने पहली बार चैंपियन, हमने जिमनास्टिक में पहली बार हमने मेडल जीता है। एग्जैक्टली, तो वो चीज चेंज हो चुकी है ऑलरेडी खिलाड़ियों की। पीकश 32 साल बाद जीतते हैं। हाँ, कश्यप ने सबसे बड़ी बात कश्यप ने कितना जबरदस्त परफॉर्म दिया। तो वो चीज अब चेंज हो चुकी है कि हमें कॉमनवेल्थ खेलने नहीं जाना है, ओलंपिक खेलने नहीं जाना है, हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने नहीं जाना, हमें मेडल के लिए लड़ना है। तो वो एक माइंडसेट चेंज होना चाहिए था, वो हो चुका है। सबसे बड़ी बात, अगर भविष्य की आपकी योजनाओं की बात करें, भविष्य की क्या प्लानिंग्स हैं? बताओ। नहीं, एक्चुअली आप पहले बोलेंगे तो वो बाद में बोलेंगे। नहीं, ये बताएगा आपको अमित, कुछ प्लानिंग्स हैं आपकी, कुछ स्पेशल करना चाहते हैं? सुशील ने जिक्र किया कि वो उनको जमीन मिली है तो